नमस्कार, E24 के YouTube और Facebook पेज पर आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ नम्रता शर्मा। सुशांत सिंह राजपूत के जाने के बाद से ही बॉलीवुड में नेपोटिज्म और फेवरेटिज्म का बवाल शुरू हो गया है। हालांकि पहली बार नहीं है जब नेपोटिज्म को लेकर बॉलीवुड घिरा हुआ नजर आ रहा हो, बल्कि कई बार ऐसा हो चुका है। हैरान कर देने वाली बात यह है कि बॉलीवुड के कई सितारे अब आगे आकर नेपोटिज्म पर बात कर रहे हैं और अपने साथ हुए भेदभाव के एक्सपीरियंस को भी शेयर कर रहे हैं। मनोज बाजपेयी ने भी हाल ही में एक बयान दिया है। वो अपनी फिल्म भोसले का प्रमोशन कर रहे हैं। फिल्म 26 जून को रिलीज हो रही है। इसी प्रमोशन के दौरान मनोज बाजपेयी ने एक इंटरव्यू में कहा कि वो पिछले 20 साल से यही चीज़ देखते आ रहे हैं कि जब भी कोई नया सितारा आता है, कोई नया टैलेंटेड सितारा आता है, तो उस टैलेंट को कॉर्नर करने की कोशिश की जाती है और यही चीज़ है जो बॉलीवुड को बदलने की ज़रूरत है। इसके अलावा मनोज बाजपेयी ने कहा, बहुत सारे ऐसे टैलेंटेड एक्टर्स हैं जिनकी यहाँ पर कदर नहीं होती है, लेकिन अगर वो कहीं और जाकर काम करते तो शायद उनको बेस्ट एक्टर्स की कैटेगरी में डाल दिया जाता। तो ये जो रवैया है बॉलीवुड का, इसको बदलने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसके अलावा कंगना रनौत हैं जो हमेशा नेपोटिज्म के मुद्दे पर ब्लंटली बोलती हैं, और ऐसा नहीं है कि वो पहली बार बोल रही हैं, लेकिन अब जब एक बार फिर से बवाल हुआ है तो फिर से वो सामने आई हैं और खुलकर अपनी बात रख रही हैं। कंगना रनौत की ऑफिशियल टीम, जो ट्विटर पर जिनका अकाउंट है, वहाँ पर एक ट्वीट किया गया है जिसमें सोनाक्षी सिन्हा, आलिया भट्ट, सोनम कपूर, इन स्टार किड्स की पुरानी और नॉन ग्लैमरस फोटोज शेयर की गई हैं। इन पर कंगना रनौत की तरफ से कहा गया है कि कहाँ से ये लोग गुड लुकिंग हैं, क्यों कहते हैं ऐसे। दरअसल उनका इशारा साफ तौर पर उन बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स की तरफ था जो ये कहते हैं कि हम आउटसाइडर्स को इसलिए नहीं लेते क्योंकि वो गुड लुकिंग और टैलेंटेड नहीं होते हैं। तो कंगना ने ऐसे ही स्टार किड्स पर निशाना साधा और कहा कि ये कहाँ से गुड लुकिंग है। इसके अलावा बहुत बार तो वो एक्सपीरियंस भी शेयर कर चुकी हैं कि कैसे कैसे उनको नेपोटिज्म का सामना करना पड़ा है। रवीना टंडन ने भी हाल ही में कुछ दिनों पहले आगे आकर कहा था कि वो भी इस भाई भतीजेवाद का और फेवरेटिज्म का शिकार हुई थी। कई बार उनको उनके साथ ऐसा हुआ कि किसी फिल्म में वो लीड एक्ट्रेस थी और बाद में उनको उस फिल्म से निकाल दिया गया। एक बार का एक्सपीरियंस उन्होंने शेयर किया था और कहा था कि एक फिल्म के लिए उनको कास्ट किया गया, साइन किया गया और अगले दिन शाम को उनको उसी फिल्म के मुहूर्त पर जाना था। सुबह उनको पता लगता है कि वो फिल्म की लीड एक्ट्रेस नहीं है बल्कि किसी और को कास्ट कर दिया गया है। और वो जो किसी और, ये जो एक्ट्रेस थी, ये कोई और नहीं बल्कि उनके साथ जो हीरो थे उनकी गर्लफ्रेंड थी। हालांकि किस फिल्म के दौरान किस एक्टर के साथ उनका ये इंसिडेंस हुआ था ये उन्होंने शेयर नहीं किया था, लेकिन साफ तौर पर रवीना ने ये ज़रूर बता दिया था कि कैसे फेवरेटिज्म का सामना उनको करना पड़ा था। आयुष्मान खुराना वर्सेटाइल एक्टर हैं, अपनी फिल्मों के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने एक इंटरव्यू में एक बार कहा था कि अगर बॉलीवुड में नेपोटिज्म ना होता, फेवरेटिज्म ना होता, तो उन्होंने 22 साल की उम्र में ही बॉलीवुड में डेब्यू कर लिया होता। बता दें, जिस वक्त आयुष्मान ने बॉलीवुड में डेब्यू किया उनकी उम्र 27 साल थी, यानी 5 साल उनको लग गए बॉलीवुड में पैर जमाने के लिए, क्योंकि उनके आगे जो स्टार किड्स थे, जो और जान पहचान वाले लोग थे, उनको मौका मिलता गया और आयुष्मान को मौका नहीं मिला। राजकुमार राव ने भी अपना एक एक्सपीरियंस शेयर किया था। उन्होंने बताया था कि बहुत सारे ऐसे एक्टर्स को मैंने देखा है जो टैलेंटेड नहीं है। सोचिए, जिनको राजकुमार राव सोचते हैं कि वो टैलेंटेड नहीं थे, उनको मौका मिला राजकुमार राव के ऊपर। राजकुमार राव ने भी बहुत स्ट्रगल किया और अब जाकर कहीं उन्होंने अपने पैर जमाए हैं, और लिहाजा कितने टैलेंटेड स्टार्स ये सभी हैं ये हमारे सामने हैं। तापसी पन्नू ने पति पत्नी और वो से एब्रप्टली निकाले जाने का एक जो इंसिडेंस है वो शेयर किया था। तापसी ने कहा था, मैं कई बार इस चीज़ की शिकार हुई हूँ कि स्टार किड्स को मुझसे पहले मौका मिल गया, और इसका सीधा सीधा एग्जाम्पल पति पत्नी और वो भी था। उनको एकदम से बोल दिया गया था कि आप फिल्म में नहीं हैं, हम किसी और को कास्ट कर रहे हैं। और फिर फिल्म में स्टार कास्ट में कौन कौन थे ये आप बखूबी जानते होंगे। इसके अलावा कृति सैनन ने भी एक बार इसी चीज़ का अपना एक्सपीरियंस शेयर किया था। कृति ने बताया था कि उनके साथ कई बार ऐसा हुआ है और एक फिल्म में वो भी किसी स्टार किड से रिप्लेस हुई थी। तो ये वो बॉलीवुड सितारे हैं जो अब आगे आकर अपनी बात रख रही हैं। किसी के इंटरव्यूज पुराने हैं, किसी ने हाल ही में इस बयान को दिया है, लेकिन देखा जाए तो सब ने कहीं ना कहीं, जो आउटसाइडर्स हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं नेपोटिज्म की मार को झेला है। लिहाजा सोशल मीडिया पर स्टार किड्स को जमकर ट्रोल किया जा रहा है। बहरहाल, ये वीडियो आपको कैसा लगा ये आप हमें जरूर बताइएगा।